इतना दिन सेवा किया, अब क्या करें। पंचानवे से लगातार काम करते रहा, एमपी रहा, और एमपी रहने के बाद हमारे साथ नाइंसाफी हुआ कि हमको आरक्षित सीट से भी वंचित किया गया, तो इस पार्टी में रहकर हम क्या करेंगे। अब उम्मीदवार को लेकर भी आपसे राय ली गई थी। उम्मीदवार तो केवल बगहा के लिए हमको बुला करके राय ली गई। राय लेने का क्या मतलब था, क्या औचित्य था, जब हम आरक्षित व्यक्ति हैं तो आरक्षित व्यक्ति से जन समान सीट पर राय जो दिया गया तो राय के मुताबिक भी काम नहीं हुआ, तो राय क्यों लिया गया, क्यों हमको बुलाया गया। इसलिए जिला अध्यक्ष रहने का कोई मतलब नहीं है, और पार्टी में अब हम कोई नया नहीं हो रहे हैं, इसलिए पार्टी में रहने का हमको कोई अपने आप को अपने आप को जदयू को अलग कर रहे हैं। हाँ, अपने आप को हम अलग करने जा रहे हैं। निर्णय ले इसलिए ये है कि पार्टी हमको जिला अध्यक्ष का काम 3-4 सालों से ले रही है, तो जिला अध्यक्ष क्या काम करने के लायक हमको समझती है, लेकिन जो आरक्षित सीट है उस पर भी हमको उम्मीदवार बनाना नहीं समझती है, असामान्य सीट को तो देवे नहीं करेगी, तो फिर इस पार्टी में हमको काम करने का क्या मतलब। देखिए, मैं सिद्धांतों का आदमी हूँ और पिछले 42 वर्षों से सिद्धांतों की राजनीति मैंने की है, और झारखंड के जल जंगल जमीन, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के दलित, झारखंड के गरीब लोगों के साथ मैं रहा हूँ, और अभी जो वर्तमान सरकार है उनके विरुद्ध कई लड़ाइयाँ मैंने लड़ी, चाहे वो बड़कागांव आंदोलन हो, चाहे CNT SPT एक्ट में संशोधन का मामला हो, चाहे दलितों को आधार दिलाने का मामला हो, चाहे महामहिम राज्यपाल को आदिवासियों का स्टेटस रिपोर्ट जारी करने का मामला हो, सब में मैं लगा हूँ। मेरे लिए राजनीति कोई नई बात नहीं है, मैं कमिटेड कार्यकर्ता हूँ, और मैंने देखा है कि चुनाव के समय में लोगों का स्वार्थ बस आना जाना लगा रहता है, बहाना कुछ बनाते हैं, बात कुछ और रहती है। अन्नपूर्णा देवी के बारे में TV न्यूज बराबर ये चला रहा है कि वो चतरा के कारण गई, इसको मैं मानता हूँ कि यह एक बहाना है, शेर को मेमना खाना है तो वो सभी चीज़ों को करता है कि तुम नहीं तो तुम्हारे बाप ने गाली दिया होगा, तो वो जो है सो गई है। पिछले 2-2.5 महीनों से जो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं उनके संपर्क में थी, उनके लोग संपर्क में थे, मेरी जानकारी है, इसलिए वो जाने के पहले कोई बहाना चाहिए था, इसलिए वो चली गई। पार्टी छोड़ने का असर मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं पड़ेगा, चर्चा जरूर रहेगी, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल की एक विशेषता है कि जो लोग लालू जी के साथ हैं कार्यकर्ता, वो लालू जी को छोड़ते नहीं।